खमागरिसा, मैं खुशी शेखावत, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आज मैं आई हूँ शॉप पे, तो आज मैं आपको फर्स्ट तो मैं आपको बताऊँगी जो मेरे आगे वाला जो शॉप थी ना, उसको मैंने अच्छे से रिपेयर करवाया और कुछ अलग से थोड़ा किया मैंने सेटअप, तो वो मैं दिखाऊँगी आपको। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी जो मेरे पास कॉपर का कच्चा मटेरियल है, मैं वो आपको बताऊँगी और ये भी बताऊँगी उसको कैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं और कैसी वो पोशाक बनती है। तो चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरी शॉप आगे वाला जो है पोर्शन रेडी करवाया, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कॉपर का कलेक्शन। वो ये तो मेरा इंटरेस्ट है ही है, यहाँ से तो एंटर होते ही है, तो ये तो पहले से भी था, ये वाला है ये भी पहले से था। उसके बाद जो मैंने हटाया वो मैंने यहाँ पे करवाया डमी के लिए, उसके पास ये बड़ा है पोर्ट, और उसके बाद मैंने ये वाला रेडी करवाया, ये वाला मैंने बेलीज के लिए अच्छा सा बनवा दिया है। उसके बाद साड़ीज़ का है और ये कॉटन सूट के सैम्पल्स हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन पहले जो था वही है, कुछ थोड़ा बहुत इसमें काम लाइटिंग का वगैरह भी रह चुका है, तो वो होते टाइम मैं भी थोड़ा बिजी हो गई थी तो इसकी वजह से रह गया था। ये यहाँ पे ये वाला है जो कॉटन का कलेक्शन का मैंने जो वीडियो है कलेक्शन है जो यहाँ पे मैंने कर दिया है सैम्पल्स के लिए। उसके बाद है ये वाला जो हैवी लूम्स है मेरे पास में, उसका मैंने अलग से ये बनवा दिया यहाँ पर, और वो वहाँ पर है पोशाक सैम्पल, तो मतलब वो अंदर जो रखी हुई है वो कॉपर की पोशाक ही है, तो वो वाला मैंने ये सैंपल के अकॉर्डिंग ही बनाया है कि थोड़ा सा अच्छा लगे। और यहाँ पे मेरा बन रहा है लोगो, अभी रेडी हुआ नहीं है, थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो यहाँ पे लगेगा और देखना बहुत यूनिक सा लोगो होगा मेरा। एंड ये मेरी न्यू चेयर, और ये चेयर मैंने कहाँ से ली है वो भी मैं आपको अभी बता दूँगी, साथ में मैं उनके आई डी मैंशन कर दूँगी। अगर आपको भी ऐसी चेयर्स या इस टाइप के पफी वगैरह बनवानी हो तो आप उस आईडी पे जाके देख लेना। ये वाला है मेरा ब्यूटीफुल सा कलेक्शन पोटली का क्लचेस का, तो इसके भी मैंने अलग से एक बनवा दिया है, मतलब ये देखो आप। फिर यहाँ पे है मिरर, जो कोई सूट पोशाक लेगा तो वो यहाँ पे अपना लुक देख सकता है, तो ये वाला है यहाँ पे। तो सोचा पहले मैं आपको शॉप दिखा देती हूँ, थोड़े से काम थोड़ा बाकी है अभी तो पूरा हो जाएगा, धीरे धीरे चलता रहता है, तो ये वाला मैं आपको एक बार थोड़ा सा विजिट करवा दूँ। और यहाँ पे सारे मेरे पास बुटीक कॉटन सूट है। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पे केवी बना खेल रहे हैं, पंचायती कर रहे हैं अपने पूरी, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा जो कॉपर का कलेक्शन है, जो कच्चा मटेरियल ओल्ड मटेरियल बोलते हैं जिसको, वो बताऊँगी और कैसे उसको ट्रांसफ़र करते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कॉपर ओल्ड कॉपर पोशाक का जो मटेरियल होता है वो, तो सबसे पहले मेरे पास है हैवी, मैं बता रही हूँ मैं पहले आपको, तो ये वाला है सबसे हैवी। इसका वर्क मैं आपको पास में से दिखा देती हूँ। ये जो वर्क है ना, आप किसी भी कलर के ऊपर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं आपके कलर के अकॉर्डिंग, और वर्क आप देख सकते हो मगजी तक इसका वर्क है, बट ये मगजी ऐसी वापस बनेगी नहीं। और आजकल सबको पता है कॉपर मतलब कॉपर की पोशाक कैसे कस्टमाइज़ होती है, तो कोई भी कलर आप देख के मेरे को मतलब इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हो। और इसकी जो ओढ़नी है वो आपको मैं बता दूँ, ओढ़नी का जो बॉर्डर है ना, आप इसको पास में से देखो, बहुत ही रॉयल बॉर्डर है ये वाला वर्क, एकदम फिनिशिंग एंड फ्रेश वर्क है इसके ऊपर। एंड बीच में आएंगे प्यारे से पिकॉक, ठीक है, ये वाला गिनी वर्क है, और जब ये बनती है तो हैवी पोशाक बनती है। और इसका देखो आप बॉर्डर इसका देख सकते हैं, लहंगे का वर्क मैंने आपको बता दिया। तो फर्स्ट मटेरियल है मेरे पास में ये वाला, सेकेंड मेरे पास में है ये वाला, ये भी आप देख सकते हैं मतलब हैवी पोशाक बनेगी ये सारी। अभी मैं आपको बता रही हूँ हैवी वाला मटेरियल, तो आप देख सकते हैं मतलब ऐसे लगता है कॉपर की वजह से रियल लुक वाली सारी पोशाकें हैं। तो इसका भी बॉर्डर लहंगे का भी अच्छा है, और ओढ़नी का भी मैं आपको बता देती हूँ, ओढ़नी का भी हैवी बॉर्डर आएगा इसमें, देखो आप देख सकते हैं ये वाला पूरा बॉर्डर आएगा, बीच में ही आएगा, थोड़ा बहुत जाल वगैरह वर्क जो होता है वो आपको पता ही है, बट वो मैं आपको बता देती हूँ कि कलर कस्टमाइज़ आप कोई भी करवा सकते हो। और 8% मेरे पास ये अभी सारा मटेरियल जो है रेडी स्टॉक में है, वो मैं आपको ये और बात बता देती हूँ, जो सेम मटेरियल है वो वापस आपको वापस रीस्टॉक नहीं होगा, क्योंकि सेम मटेरियल हमारे खुद के पास भी नहीं आता। देन उसके बाद है मेरे पास में ये वाला, ये वाला वर्क भी आप देख सकते हैं बहुत ही रॉयल वर्क है ये वाला, पिकॉक वाला भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और लहंगे का बॉर्डर आप देख सकते हैं, पास में से वर्क मैं आपको दिखा ही रही हूँ क्योंकि मटेरियल काफ़ी है, तो थोड़ा सा मैं फास्टली बनाऊँगी उसका। इसका बॉर्डर भी आप देखो कितना प्यारा बॉर्डर है,
और इंस्टाग्राम पे आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बनी ठनी भाई खुशी भाई से, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं कुछ कुछ कस्टमाइज होके वीडियो भी मैंने मतलब पोस्ट कर रखे हैं कि कैसे ये कस्टमाइज हुई है, ठीक है। उसके बाद है ये वाला, ये भी आप थोड़ा थोड़ा पास में से मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा वर्क जो भी है, ताकि क्या है ना आपको भी थोड़ा समझ आ जाए, जो भी हो आपको पसंद आए तो आप मुझे व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट कर देना, ताकि आपको कलर भी मुझे शेयर कर देना, और इसमें से जो भी आपको वर्क पसंद आए वो आप मुझे कलर कस्टमाइज़ के अकॉर्डिंग आप मेरे से रेडी करवा सकते हैं। तो ये वाला आप देख सकते हैं, इसका भी बॉर्डर बहुत ही प्यारा है, ऐसा लगता है रियल सिल्वर वर्क जो होता है ना सेम वैसे है। इससे ओढ़ने में भी पूरा जाल है, आपको अगर जाल वगैरह करवाना हो तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद है मेरे पास में ये वाली डिज़ाइन, पिकॉक मोस्टली सब में आएगा, और पिकॉक अभी थोड़ा ट्रेंड में चल ही रहा है। पिकॉक वाली पोशाक मैंने इंस्टाग्राम पे डाली भी है, काफ़ी लोगों को वो पसंद भी आई है। और इसका बॉर्डर ये वाला है, ये वाला वर्क है जो ओढ़नी के अंदर आएगा, और ये वाला बॉर्डर रहेगा इसमें है, तो ये वाला बॉर्डर आएगा। कुर्ती काचली में भी वापस है बॉर्डर, और ये वाला वर्क आएगा। फिर है मेरे पास में बहुत ही हैवी है थोड़ी ये वाली, इसको कलकत्ती वर्क बोलते हैं, कलकत्ती वर्क में ये वाला मटेरियल है मेरे पास में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा वर्क है इसका, एकदम फ्रेश वर्क एंड मतलब फ्रेश कंडीशन में है ये वाला, और उसमें जो बॉर्डर आएगा वो आएगा ये वाला बॉर्डर, और फूल है जो ये आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे लुक वाइज एकदम ओरिजिनल लग रहा है। मैं थोड़ा सा फास्टली बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा मटेरियल ज़्यादा है, ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये वाला मेरे पास ओनली साड़ी का मटेरियल है, इसमें आप चाहो तो बुटीक सूट बनवा सकते हो, चाहो तो ये सेम टू सेम साड़ी पे कस्टमाइज करवा सकते हो, ठीक है। तो इसका वर्क ओनली ये सामने जो है ये फ्लावर्स है, ये वाला जो बॉर्डर है ये वाले हैं, तो ये वाले सारा साड़ी पे कस्टमाइज हो जाएगी। अगर आप बुटीक सूट बनवाते हो तो बुटीक सूट भी कस्टमाइज हो जाएगा। फिर है ये वाला तारी में कॉपर वर्क, बहुत ही रॉयल वर्क है, और कलर मतलब कलर भी आप जो चाहो वैसे कस्टमाइज करवा सकते हो। इसमें ये थोड़ा सा ब्लाउज साथ में इसका गला वगैरह थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। और ओढ़नी तो फुल हैवी है इसकी, ये देख सकते हैं आप, फुल हैवी ओढ़नी आप ऐसी बनवा सकते हो, तो ये वाली भी पोशाक बहुत हैवी बनेगी। उसके बाद है मेरे पास में ये वाला मटेरियल, पास में से वर्क आप देख ही रहे हैं, और वर्क जो है वो सेम टू सेम वही होगा लहंगे में कुर्ते काचली में इसमें है। तो आप ओढ़ने का जो बॉर्डर है ना वो आप देख मतलब एक एक का इतना प्यारा सा है ना, मतलब बॉर्डर एक से बढ़ के एक वर्क है इसमें, तो ये वाले भी बहुत सुंदर है। और बहुत ही सुंदर जब ये पोशाक बनती है ना तो बहुत रॉयल पोशाक बनती है। और उसके बाद है मेरे पास में वापस ये साड़ी का मटेरियल, ये वाला बॉर्डर रहेगा, ये वाले फ्लावर्स रहेंगे ये वाले भी, और साड़ी में भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। फिर वापस एक साड़ी मेरे पास में और है, ये वाले भी साड़ी हैं, इसका बॉर्डर ये वाला है, ये फ्लावर्स होंगे। साड़ी चाहो तो आप बुटीक सूट के टाइप में, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए आपको, थोड़ा सा नॉर्मली चाहिए तो वो भी आप इसमें रेडी करवा सकते हैं। फिर है ये वाला, ये भी बहुत सुंदर है, ये मतलब ज़्यादा हैवी नहीं बनेगी बट हाँ पोशाक बहुत सुंदर बनेगी। पिकॉक बहुत प्यारे प्यारे से हैं, एकदम ओरिजिनल जो होता है ना वो वाला। अब है मेरे पास बहुत ही हैवी पोशाक, मतलब वेट ही था इसका ऐसे है ना, जब आप खुद पहनोगे तो पता नहीं कितना प्यारा लगेगा ये वाला। अब इसका बॉर्डर देखो कितना रॉयल बॉर्डर है, और जब ये रेडी होगी ना तो बहुत ही प्यारी लगेगी। और ऐसे आप मैंने आपको बताया है कि आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाके एक बार चेक करना कि मैं जो पोशाक डालती हूँ ना कोपर जो करके वो सारी कस्टमाइज ही हो रखी है, ठीक है, जो ओल्ड मटेरियल होता है ना उसका। तो इसका आप ओढ़नी का बॉर्डर आप देखना, मतलब ऐसे मतलब एकदम रॉयल वाला और इतना हैवी बॉर्डर है ना, ये पूरा ओढ़नी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैंने ओढ़नी का और इसका दोनों का बता दिया है। उसके बाद है मेरे पास में उससे भी ज़्यादा हैवी बॉर्डर ये वाला, जब ये पोशाक रेडी होगी ना तब आप इसको देखना कि ये कैसे रेडी होती है। तो ये अभी तो मेरे पास है मतलब मटेरियल, और बाद में ये सेम टू सेम मटेरियल आपको वापस रीस्टॉक में नहीं आएगा। बॉर्डर इसका भी बहुत रॉयल बॉर्डर है, जब रेडी होगी तब आपको थोड़ा सा समझ आएगा। काफ़ी लोगों को तो पता है कि कॉपर पोशाक कैसे क्या कस्टमाइज होती है, बट जिसको नहीं पता है तो वो मेरा इंस्टाग्राम आई डी जाके चेक करें। उसके बाद है ये कैरी डिज़ाइन में, और इसका तो गेर इतना बड़ा है ना कि मतलब अगर आप पोशाक बनेगी ना तो हैवी बनेगी ये वाली। तो ये भी वापस कलकत्ती वर्क में है,
जो इसके जाल वगैरह जो भी कुछ है ना, ये सब कुछ सेम बनेगा, ठीक है। और इसका बॉर्डर वगैरह है तो ये जब जैसा का है वैसा का वैसा इसके कैरी देखो, ये जो है कलकत्ते वर्क पूरा उसमें कस्टमाइज होगा। और ओढ़नी में तो इसमें भी जाल बहुत अच्छा है, ये पूरा ओढ़नी का बॉर्डर रहेगा, ये बीच बीच में ये वाला वर्क आएगा, और पूरा इसका मेन ये रहता है कि ओढ़नी का जो बॉर्डर होता है वो अच्छा रहता है। लास्ट मेरे पास है अभी ये वाला वर्क, बहुत ही सुंदर है, कलर कोई भी लेके आप कस्टमाइज करवा सकते हो। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो सेम टू सेम, मतलब देखो बॉर्डर ये वाला रहेगा, ये ओनली पल्लू पे आएगा, जो मेन पल्लू रहता है ना इस पे आपका ये वाला आएगा, बाकी जितना भी ओढ़ने में वर्क होगा ये वाला बॉर्डर कटेगा, ठीक है। और ये वाले जो फ्लावर्स वगैरह है ये वाले बीच में आ जाएंगे। तो कोई भी कलर आप लेके मेरे से कस्टमाइज करवा सकते हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको रेट भी बता दूंगी। अगर आप खाली मटेरियल लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।